पहले जो एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर और फाइनेंसर रिस्क लेके मूवी बनाते थे, उसी चीज को इन बड़े प्रोडक्शन हाउसेज ने एज अ कंपनी बनके करना स्टार्ट किया और इस पूरी मूवी इंडस्ट्री को एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर में बदल दिया। अभी जो पूरा प्रोडक्शन वाला मॉडल था, इसकी सक्सेस को देख के जो बड़े एक्टर्स थे जिनके पास अच्छा पैसा था, उन्हें लगा कि फिल्म तो हमारी वजह से चल रही है, तो हम भी ऐसे ही अपना प्रोडक्शन हाउस खोल लेते हैं। तो बड़े एक्टर्स भी या तो बड़े प्रोडक्शन हाउसेज के साथ को प्रोड्यूसर बन गए या फिर खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू कर दिया। जैसे शाहरुख खान का है रेड चिली एंटरटेनमेंट, ओम शांति ओम, रावण, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर, डियर जिंदगी, ये सारी मूवीज शाहरुख खान ने अपने प्रोडक्शन से बनाई हैं। ऐसे ही आमिर खान, अजय देवगन सब ने अपने अपने प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किए। तो जब ये बड़े प्रोडक्शन हाउसेस आए तो इन्होंने प्रोडक्शन और फाइनेंस के सिस्टम को तो सिस्टमैटिक किया ही, लेकिन इन्होंने जो कमाई मूवी सिंगल स्क्रीन पे जाके सिर्फ टिकट से कमाती थी, उसके कमाने के बहुत सारे रास्ते भी खोले।